यार जो मुद्दा है वो है यहाँ पे एप्पल का। और जब एप्पल का मुद्दा आता है तो भाई ये हो जाती है इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि लोग जो भी एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जो भी एप्पल के कंज्यूमर है, उनके दिमाग में एक चीज रहती है कि यार एप्पल की कोई चीज ले लो, एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट ले लो तो इसमें दिक्कत नहीं आने वाली, जल्दी बार बार आपको कस्टमर सर्विस सेंटर यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन भाई यहाँ पे अब दिक्कत आ गई है। क्या क्यों कैसे कब देखो अब। और दिक्कत ऐसी आ गई कि भाई एप्पल का जितने भी मैकबुक प्रो के लाइनअप है, जितने भी लैपटॉप के लाइनअप है, उनको कर दिया गया यहाँ पे बैन। और जिसके पास भी यहाँ पे मैकबुक प्रो की लाइनअप है वो उसको लेके आप ट्रैवल नहीं कर सकते भाई एयर। तो मोस्टली ये जो बैन है ये हुआ है भैया हवा में, मतलब कि अगर आप अपने लैपटॉप को लेकर एयरप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर विद इन स्टेट भी ट्रैवल कर रहे हो, तो वहां पे भाई एप्पल का लैपटॉप लेके आप नहीं जा सकते बैगेज के अंदर। अब भाई यहाँ पे इशू आया कुछ दिन पहले जब एप्पल ने रिकॉल किया अपने कुछ मैकबुक प्रो 15 इंच वाले, जिसमें एप्पल को पता लगा कि यार इनमें बैटरी की कुछ दिक्कत है और यहाँ पे बैटरी फटफटा सकते हैं। तो फिर एप्पल ने सोचा कि यार इस चीज को बढ़ावा देने से पहले ही सारे मैकबुक को रिकॉल कर लेते हैं। एप्पल ने सारे मैकबुक को रिकॉल किया जो भी 15 इंच के थे, और स्पेशली वो मैकबुक थे वहां पे जो सितंबर 2015 से लेकर फेब 2017 तक बेचे गए थे। लेकिन इसके बाद जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज है भाई अक्रॉस वर्ल्ड, पूरे ग्लोब पे, ना कि सिर्फ इंडिया में, हर कंट्री में जितनी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी है भाई, उन्होंने यहाँ पे एप्पल के जितने भी मैकबुक प्रो के लाइनअप है उनको कर दिया बैन और मना कर दिया लोगों को कि अगर आप लैपटॉप लेके आ रहे हो तो भाई आपका रिस्क है, हो सकता है आपको अपना लैपटॉप वहां पे रखना पड़ जाए या फिर उसकी वजह से आपको अपनी फ्लाइट छोड़नी पड़ जाए। यहाँ पे कुछ कुछ प्लेन्स के अंदर आप अपने लैपटॉप को लेके जा सकते हो एप्पल के, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि आपको वो अपने हाथ में लेके जाना पड़ेगा, जो हैंड बैगेज है उसमें लेके जाना पड़ेगा, आप चेक इन में सामान में लगेज में उसको नहीं रख सकते। आप एक वेबसाइट है जिसका नाम है checkcoverage.apple.com, नीचे लिख दिया है मैंने, वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप चेक कर सकते हो। तो checkcoverage.apple.com पे जाके आप अपना सीरियल नंबर डाल के यहाँ पे चेक कर सकते हो कि भाई आपके लैपटॉप के अंदर कोई डिफेक्ट है। अगर है तो वहाँ पे एप्पल आपको पहले दिखा देगा, नोटिफाई कर देगा, तो उस लैपटॉप को लेके तो आप बिल्कुल मत जाओ, ठीक है। उसके अलावा भी यहाँ पे रिस्क हो सकता है, लेकिन ये एक सबसे इजी तरीका है कि अगर आप लैपटॉप लेके जाना चाहते हो तो पहले आप चेक कर लो। तो चेक कैसे करना है वो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो मेरे मैकबुक पे कि आपको बेसिकली चेक कैसे करना है, तो आपको वेबसाइट डालनी है checkcoverage.apple.com। देखो यहाँ पे ऊपर आ गया, इसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये डिटेल्स मांगता है कि भाई चेक योर सर्विस एंड सपोर्ट कवरेज, और यहाँ पे आपको आपका सीरियल नंबर डालना है। सीरियल नंबर के लिए भाई आपको यहाँ पे जाना है एप्पल के लोगो पे जो कि लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पे नीचे जाना है अबाउट दिस मैक में जो कि पहला रो है, यहाँ पे जाकर टच करना है। तो यहाँ पे आपको अपने मैक की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जहाँ पे नीचे आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा, इसको भी आपको सिंपली यहाँ पे कर लेना है कॉपी, कमांड सी करके कॉपी कर लिया, वापस जाना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है वो डाल देना है। तो ये डाल देते हैं हम M4, और यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाती है योर सर्विस एंड सपोर्ट कवरेज। तो भाई यहाँ पे मैकबुक प्रो आ गया जो कि मेरा मिड 2012 का मॉडल है। मैंने जैसे आपको बताया था कि 2015 से लेकर 2017 के बीच में जो लैपटॉप है उनमें ज्यादा दिक्कतें आई है, तो ये तो वैसे ही बाहर है, इसलिए यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर 2015 से 17 का लैपटॉप है और वहां पे अगर आप इसको ऐसे चेक करते हो और वहां पे अगर एप्पल नोटिफाई करता है कि भाई आपकी बैटरी के अंदर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको जाना होगा सर्विस सेंटर अपने लैपटॉप को लेके, और 1 से 2 वीक में एप्पल आपको फ्री में वो बैटरी रिप्लेस करके देगा अगर आपका लैपटॉप वारंटी में है, अगर नहीं है तो फिर कुछ कम कॉस्ट पे उसको रिपेयर करेगा। तो यार ये थी बहुत बड़ी दिक्कत एप्पल के साथ, और आजकल बहुत ज्यादा हाइप बना हुआ इस चीज का, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे एप्पल का लैपटॉप कैरी करते हैं, मैकबुक प्रो कैरी करते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका था चेक करने का, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसे जाके चेक कर सकते हो, और तो कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप लैपटॉप लेके जाना चाह रहे हो तो भैया कैसे जाना है और कैसे चेक करना है। तो इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।